हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मामी किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम अंगूर से ही कुछ बना लेते हैं, क्योंकि अंगूर अब बहुत ही सस्ता मिल रहा है, तो हम अंगूर को यूज करके कुछ बनाते हैं। तो यह आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ अंगूर को लेके। तो चलिए क्या बना रही हूँ आपको लास्ट तक ही वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है अंगूर, जो इसको मैंने डंठल अलग कर लिया है, देखिए। तो इसको तोड़ लेते हैं अच्छे से इस तरह से, और इसको हम अच्छी तरह से धो के रख लेते हैं। तो जितना चाहे आप यहाँ अंगूर ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है जो इडली का छाछ होता है, तो इसको मैंने ले लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम रख लेते हैं। तो नीचे मैंने पानी दे दिया है, और उसके बाद अंगूर को रख लेते हैं। तो चलिए ये अंगूर को मैंने रख लिया है। उसके बाद चलिए गैस को ऑन करते हैं, और इसको हम गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमें 10 मिनट तक ढक के रख लेना है इसे पकने तक। तो चलिए 10 मिनट हो चुका है, मैं खोल रही हूँ, ये कितना पक चुका है हम देख लेंगे। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं ये कितना पक चुका है। तो देखिए मैं यहाँ चाकू की मदद से चेक कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से इधर से उधर हो गया है, इसका मतलब अच्छी तरह से पक चुका है। अगर नहीं पका होगा तो आप और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख लेंगे, तो ये आसानी से पक जाएगा। तो यहाँ मैंने गैस को ऑफ कर लिया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक छन्नी में। ये देखिए यहाँ मैंने एक छन्नी में निकाल लिया है, इसको हम धूप में सुखाएंगे, 2-3 धूप दे देंगे तो बहुत ही आसानी से सूख जाएगा। तो इसको मैंने एक दिन ही धूप में रखा था, तो देखिए कितना ड्राई हो चुका है। तो इसको हम अगर 2-3 दिन इसको अच्छे से धूप लगा लेंगे, तो ये 1 साल तक अच्छे से रह पाएगा, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा। तो आप देख ही लिए कि हम अंगूर से किशमिश बना ही लिए हैं। तो आप इस तरह से बना के रख लीजिए, ताकि आप जब भी खीर बनाएं तो इसको आप खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप डाल के खीर बना सकते हैं। और इसको चाहे आप खट्टा भी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, टमाटर डाल के इसको खट्टा बना लीजिए। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें घर पर, और इसको 1 साल तक स्टोर करके रख लें। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूँगी आपके पास पहले पहुँच जाए, और कमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए थैंक यू।